अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं नाज़िया सुल्तान की थाली से आज आपके लिए चोरमा भाटे की रेसिपी लाई हूँ। ये देखिए, ये भाटा है, ये चोरमा, ये उसके साथ उसकी थोड़ा सा मिक्सचर दाल बनती है, ये अचार और ये ग्रेवी। आपको ये इसको इसमें फोड़ कर डिप करके खाना पड़ता है रायता डालकर। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो चलिए, अगर आपको हम चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स, ये मैंने एक बैंगन लिया है भुरते के लिए। ये देखिए, ये बैंगन को मैंने धोकर अच्छे से, मतलब ऊपर से धोकर इस पर हल्का हल्का हाथ से ऐसे ऑयल लगा लिया है। ऑयल ऐसे हाथ से लगा कर अब मैं इस पर फिर इसे ऑयल लगा के मैंने इसे रख लिया है। अब मैं इसमें ये लहसुन की बिना छीली हुई 4 कलियाँ, हमें इन कलियों को छीलना नहीं है, छिलके समेत ऐसे जैसे ये लहसुन के जवे होते हैं ना, इसको हमें इस बैंगन के अंदर इंसर्ट करना है। तो मैं आपको इंसर्ट करके दिखाती हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स, और मैंने क्या किया है, देखो ये मैंने सब तरफ, चारों तरफ बैंगन के अंदर लहसुन इंसर्ट कर दिए। देखो ऐसे, आपको इसमें होल नहीं करना है, आपको इसमें डायरेक्ट लहसुन को ऐसे ही घुसाना है। इसमें बैंगन में आपको लहसुन को डायरेक्ट ऐसे ही घुसाना है। देखिए, मैं आज आपको इसलिए थोड़ा सा, मतलब मेरी वीडियो थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रही होगी, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी ऐसे ट्रेजेडी हो गई है। जो मेरा मोबाइल स्टैंड है वो ऊपर से गिरकर किचन पे से टूट गया है, तो इसलिए मेरा मतलब नहीं सही हो पा रहा है, वीडियो थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रही है, मैं हाथ से ही शूट कर रही हूँ। तो ये देखिए, आपको ना लहसुन को ऐसे इसमें ऐसे रख कर इंसर्ट करना है, ऐसे लहसुन को पकड़ के इसके अंदर ऐसे आपको घुसाना है। तो ये देखिए, मैंने 6 से 8 कलियाँ इसके अंदर इंसर्ट कर लिए। अगर आपके पास बहुत बड़ा बैंगन है, मेरा तो ये मतलब मीडियम साइज़ है, अगर आपके पास बहुत बड़ा है तो आपको उसमें 12 कलियाँ इंसर्ट करनी है। मैंने इसमें 6 से 8 कलियाँ। अब हम गैस पर, गैस जलाकर इसे भूनने रख देंगे। तो ये देखो, हमने गैस की फ्लेम को स्टार्ट कर दिया। अब हम इसको मीडियम करेंगे, मीडियम, ये देखिए मीडियम फ्लेम पर करेंगे हम इसको, हाई फ्लेम पर नहीं। अब हम ये बैंगन जो है, इस बैंगन को पहले हम ऐसे सीधा रखेंगे, ठीक है। ये सीधा रखने से देखिए, इसके जो साइड के लहसुन है उसके छिलके अपने आप जलकर गिर जाएंगे। ये देखिए, अपने आप धीरे धीरे, वो आप देख सकते हैं, देखो ये धीरे धीरे अपने आप आग पकड़ रहे हैं, जो इसके छिलके हैं तो ये अपने आप जल जाएंगे छिलके और गिर जाएंगे, और आपका बैंगन जो है उसमें कुछ छिलके ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो ये देखिए, हमें बैंगन को भूनने, तो ये देखो फ्रेंड्स, ये इधर से भुन गया है। अब हम इसको बैंगन को ऐसे लिटा देंगे। हमको 2-2 मिनट में बैंगन का पोजीशन चेंज करते रहना है, पोजीशन कभी ऐसे कभी ऐसे। अब देखो ये नीचे से तो पक चुका है, देखो अब हम इसको ऐसे लिटा देंगे। देखो, जो जो बैंगन ऐसे भुनता जाएगा तो उधर उधर से जो उसकी स्किन है ना वो ऐसे सुखड़ती जाएगी, मतलब जो उसकी स्किन है वो ऐसे देखो ऐसे सॉफ्ट होती जाएगी। क्यों, जब भी बैंगन ठंडा हो जाएगा तो आप इसकी स्किन उतारेंगे तो बहुत इजीली उतर जाएगी। ये देखिए ऐसे आपको, क्योंकि बैंगन बहुत गर्म है, हाथ को संभाल के फिर इसको ऐसे भूनो। अब मैं इसको आपको छील के दिखाऊंगी, इसको अभी मैं और भूनूंगी 10 मिनट, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी। ये देखो फ्रेंड्स, बैंगन भुन चुका है, ये देखिए ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से भुन गया है। देखो मैंने इसे एक स्टील के डिश में रख लिया है। अब इसका स्किन जो है ना, अभी ये गर्म है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो, और ये गर्म ही गर्म छीलना है क्योंकि ठंडा होकर ये जल्दी से नहीं निकलता है। तो ये देखिए, इसका स्किन ऐसे आपको छोटा छोटा करके, चाहे छोटा निकले चाहे बड़ा निकले, जैसा भी निकले आपको इसकी स्किन उतार लेनी है। देखिए ये पूरी स्किन इसकी उतर के ये अंदर का पोर्शन ऐसा हो जाएगा। देखिए अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसकी स्टीम भी आपको दिख रही होगी, ये देखिए। तो मैं इसकी स्किन निकाल के फिर आपको बताती हूँ हम इसमें और क्या करेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने बैंगन को छील लिया है ऐसे, इस तरीके से आपको इसके सारे छिलके निकाल देने हैं ऐसे छील कर। और ये जो ब्लैक ब्लैक है, ये लहसुन है, ये जल चुका है, ये पूरा इसके अंदर ही मतलब समा जाएगा। और ये जो इसकी स्किन है, इसकी स्किन है, ये देखिए, ये जो इसके छिलके थे ना वो सब मैंने निकाल लिए हैं। अब बस मैं इसका ये पार्ट कट करके, ये डंडी वाला, डंठल वाला जो पार्ट है इसका, ये डंठल वाला जो पार्ट है ना,
इसका जो डंठल वाला पार्ट है ना, ये पोर्शन को मैं कट कर दूंगी। ये पोर्शन को मैंने कट कर दिया है डंठल वाले पार्ट को, ये देखिए डंठल वाले पार्ट को मैं कट करके बस ये जो है इस पार्ट को मैं जार में पीस लूंगी। तो ये देखो फ्रेंड, मैंने बैंगन को ले लिया, बैंगन को लेकर, तो ये देखिए फ्रेंड मैंने बैंगन को जार में डाल दिया है उसका पोर्शन काट के। अब मैंने बैंगन को जार में डाल के अब मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट और 3 सूखी लाल मिर्ची ऐड करूँगी। लहसुन मैंने बैंगन के अंदर ही इंसर्ट कर दिया था इसलिए मैं इसमें कुछ और ऐड नहीं करूँगी। और ये मेरी 100 ग्राम दही है, ये मैंने आज मार्केट से दही मंगाई है, मेरी होममेड दही ख़त्म हो गई, तो मैं इसमें ये 100 ग्राम दही ऐड करके इसको आपको पीस कर दिखाती हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये पीस गया है भुर्ता। अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, ये मैंने इस बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया, ये बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम बघार के लिए इसमें 1 पली ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसको बस सिर्फ ज़ीरे से बघारेंगे और किसी चीज़ से नहीं भगाना है इसको, क्योंकि ये कहीं कहीं पर इसको बैंगन का भरता बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसको बैंगन का रायता बोलते हैं, तो ये चूरमा भाटा के साथ खाया भी जाता है। तो मैं आपको भाटा की भी रेसिपी बताऊंगी, चूरमा की भी रेसिपी बताऊंगी। अब ये देखो हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून। अभी तेल गर्म नहीं हुआ, थोड़ा सा तेल देके अब ज़ीरा क्रैकल होने लगा है। थोड़ा सा तेल आपको हल्के नीम तेल में ही डालना है, मतलब हल्के निवाए तेल में डालना है आपको ज़ीरा। अच्छे से ज़ीरे को होने देंगे। आप चाहे तो इसमें हींग भी ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, आप ऐड कर सकते हैं। ये फ्राई पैन जो है मेरा भगार का ही है इसीलिए थोड़ा सा इधर से जल सा गया है, क्योंकि ये भगार के लिए ही है। तो ये देखो ज़ीरा जलने लगा है, ज़ीरे की महक आ रही है, अब हम इससे बघार देंगे। देखो अब मैं इसको लेके, तो देखो मैंने इसको बघार दी हूँ भुर्ते को अच्छे से। अब आपको बघार के इसको स्पून से चला लेना है ऐसे। आप इसमें हरा धनिया पुदीना भी काट के ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो ये देखो फ्रेंड्स, मेरे पास ये चूरमा के लिए आटा गूंदा हुआ है। ये देखिए, ये 4 लोई है, मतलब 4 पेड़े हैं और 2 पेड़े मैंने ऐसे करके रख लिए। मैं इन सब का बनाऊंगी लेकिन मैं अभी फ़िलहाल आपको 2 बना के दिखाऊँगी। तो इसमें मैं, ये मेरे पास चने की दाल है, मैंने इसको बॉयल कर लिया था। ये देखिए इसको बॉईल करके, अगर आप चाहे तो आप इसको मैश भी कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो अखा करके रखना है, लेकिन इस दाल को अच्छे से गला लेना है। इसमें जाएगी 2 हरी मिर्ची, बिल्कुल 1/2 टीस्पून, मतलब ये स्पून के इतना आगे पोर्शन का अदरक लहसुन, ये सिर्फ तो मतलब 4-5 चोरमे के लिए है। और 1 मीडियम साइज़ छोटी सी थी, बिल्कुल मीडियम भी नहीं थी, छोटी सी प्याज थी। और ये 1 टीस्पून या 1/2 टीस्पून कितना ज़ीरा, आप ज़ीरा ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा काला नमक, और ये दाल में मैंने नमक डाल के बॉईल कर ली थी, आटे में भी मैंने नमक डाला है। आटा मैंने नॉर्मल जो हम रोटी का आटा बनाते हैं उसी तरीके से गूंदा है। आप चाहे तो आप मैदे का आटा भी ले सकते हैं, आप चाहे तो आप गेहूँ का भी आटा ले सकते हैं, मैंने गेहूँ का आटा लिया है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, ये सब हम इसमें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको अच्छी तरीके से मैं मिला लूँगी, फिर मैं आपको चूरमे में भर के दिखाती हूँ, है ना। ये देखो, ये इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक, आप चाहे तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, मैंने अपना होममेड चाट मसाला ऐड किया, आप मार्केट वाला भी ऐड कर सकते हैं। अब बस ये मिश्रण को जल्दी जल्दी ऐसे मिक्स करके मैंने ये भाटे की चूरमा की रोटी बनाई है, भाटा मेरा रेडी हो गया है। तो ये चूरमे की रोटी को मैं ऐसे फैला के, देखो ऐसे फैला के अब मैं इसके अंदर ये मिक्सचर भर दूंगी ऐसे। देखिए ये मिक्सचर में इसके अंदर भर के, और फिर इसको आटा आप नॉर्मल ही गूंदे जैसा आप गूंदते हैं अपने घर में,
मिश्रण आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उतना आप मिश्रण ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी देखो मेरे को इस तरीके से वापस से ऐसे पेड़ा बना लेना है और पेड़े को मेरे को भीजना है ऐसे, मेरे को मैं पेड़े को भीज कर अच्छी तरीके से, देखो ये क्योंकि ये खुल सकता है तो थोड़ा सा अपने हाथ पे खुश्की का आटा लगा के फिर देखो ऐसे थोड़ा सा खुश्की का आटा आपको हाथ पे लेके ऐसे इसको ऐसे करके बस बॉल सा बना लेना है और इसको मैं एक साइड में रख लूँगी। अभी मैं दूसरा वाला भी आपको भर के दिखाती हूँ। वैसे तो मेरे को बहुत सारा बनाना है लेकिन मैं सिर्फ दो की रेसिपी आपको डाल के दिखाऊंगी, सिर्फ दो बनाकर दिखाऊंगी क्योंकि वरना बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि ये सिकता है, इसको आपको किसी जाली या नेट पर नहीं सेकना है, डायरेक्ट गैस पर स्लो फ्लेम पर रखना है। देखो इस तरीके से ऐसे करके तो आपको ऐसे बॉल पेड़े की तरह फिर से बना लेना है। ये देखो ऐसे ये बॉल पेड़े की तरह बन गया है। अब मैं आपको बताऊंगी इस पे मेरे को क्या करना है। अब मैं इस पे हल्का हल्का सा सिर्फ ऐसे हल्का हल्का सा तेल लगाऊंगी और ये तेल ऐसे हल्का हल्का तेल लगा के इसको खाली मैं अपना हाथ ऐसे तेल में डिप करके इसको ऐसे हल्का हल्का तेल लगाऊंगी। इस पर भी देखिए हल्का हल्का सा तेल लगा हुआ है, इसको खाली ऐसे दबाना है। ये जो पेड़ा रहता है ना, ये जो आपको गोल से छोटी रोटी बनाते हैं उसको थोड़ा मोटा रखना है ताकि वो फटे ना। तो देखो ऐसे रख के गैस की फ्लेम एकदम लो करके आपको इस पे ये पेड़ा एकदम लो करके ना एकदम लो ऐसे उस पे आपको ये पेड़ा अगर आपके हाथ से जमता है तो आप हाथ से रख दें, हाथ से नहीं जमता तो आप चिमटे से रखें और इसको हम ऐसे ही भूनने देंगे। देखो थोड़ा इसको ऐसे ही भुनने दो, ये भुनता रहेगा इतने तब तक के हम दूसरे पेड़े की मसाज करते रहेंगे, ऐसे हल्के हल्के मसाज करना। तो ये देखो ये पेड़ा हमारा भुन रहा है, नीचे से भुन चुका है वो। अब हम इसको उठाकर ऐसे एकदम हल्के से धीमे हाथ से, अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप उस पर नेट पे जाली जो होती है वो उस पर सेक ले। देखो आपको ऐसे चोल में को हल्के हल्के सेकना है, वो देखो वो हल्के हल्के फूलता जाएगा क्योंकि वो आटा है तो आटा तो फूलेगा ही, तो आपको उसको जलाना नहीं है बस सेकना है ऐसे ऐसे कर करके आपको उसको सेकना है। आप चाहे मैं आपको एक हल्के से तवे पर भी सेक कर दिखाऊंगी, एक मैंने आपको डायरेक्ट आग पर सेक कर दिखाया है। देखो ये कड़क हो गया एक तरफ से, अब इसको हम ऐसे ही बनाएंगे। अगर आपके पास अवन है तो आप इसको अवन में भी डाल सकते हैं, अवन में आप इसको 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए डाल देंगे तो ये अच्छे से बेक हो जाएगा। तो ये देखो फ्रेंड्स इस पे मैं थोड़ा सा ये घी लगा दूंगी, इस पे ये जो हमारा चोरमा है इस पे मैं ऐसे थोड़ा सा घी लगा दूंगी, फिर इसे पलट कर फिर मैं इसे घी लगाऊंगी और हम इसे इसके भाटे के साथ खाएंगे। तो चलिए ये देखिए घी कुछ अगर एक्स्ट्रा हो गया है तो आप कम कर सकते हैं, और इसको पूरे में मतलब ऐसे पूरा घी में ऐसे आपको डिप कर लेना। ओके तो चलिए ये देखिए मेरा चोरमा भाटा रेसिपी तैयार है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।